सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शैल जगोता एक्नॉलेज बुक सीरीज अमित प्रकाशन की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बेटा, हम पढ़ रहे हैं मुक्तामणि संस्कृत कक्षा 6 का। आज हम करेंगे सप्तमा पाठ यानी सातवां पाठ। क्या है? तीर्थ स्थलम, तीर्थ स्थान। एतत् तीर्थस्थलम् अस्ति, यह तीर्थस्थान है। अत्र अनेकानि मन्दिराणि सन्ति, यहाँ अनेक मंदिर हैं। समीपम् एव गंगा नदी प्रवहति, पास में ही गंगा नदी बहती है। जनाः दूर देशेभ्यः अत्र आगच्छन्ति, लोग दूर देश से यहाँ आते हैं। ते स्नानं कृत्वा ईश्वर दर्शनाय मंदिरम प्रविशन्ति, वे स्नान करके ईश्वर के दर्शन के लिए मंदिर को जाते हैं। ते पूजायै अनितानि द्रव्याणि ब्राह्मणाय समर्पयन्ति, वे पूजा के लिए बहुत सारे पदार्थ चीजें द्रव्य ब्राह्मण को समर्पित करते हैं यानी ब्राह्मण को देते हैं। ब्राह्मणा तानि द्रव्याणि मंत्रोच्चारेण सह इष्टेभ्यः देवेभ्यः अर्पयति, और ब्राह्मण उन द्रव्यों को उन सामानों को मंत्रोच्चारण के साथ इष्ट देवता को चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं। पूजया भक्ता मानसिकीं संतुष्टिं प्राप्नुवन्ति, पूजा से भक्तों को मानसिक संतुष्टि मिलती है। अंते जना ब्राह्मणाय दक्षिणाम अपि यच्छन्ति, अंत में लोग ब्राह्मणों को दक्षिणा भी देते हैं। तदंतरम लोकाः पुण्याय दानम यच्छन्ति, उसके बाद लोग पुण्य के लिए दान देते हैं। ते निराश्रिताभ्य वृद्धाभ्य च वस्त्राणि अन्नानि धनानि च समर्पयन्ति, वे निराश्रित यानी जो बेसहारा लोग हैं उन्हें बुड्ढों को वस्त्र अन्न और धन देते हैं। केचन बुभिक्षितेभ्य भोजनम पिपासितेभ्य च जलम यच्छन्ति, और कुछ लोग भूखे लोगों को भोजन और प्यासे लोगों को जल देते हैं। अत्र कथावाचकाः उपदेशकाश्च लोकेभ्य धर्मोपदेशम यच्छन्ति, यहाँ कथावाचक उपदेश देने वाले लोगों को धर्म का उपदेश देते हैं। ते सदा लोक कल्याणाय परोपकाराय च लोकान प्रेरयन्ति, वे हमेशा लोक कल्याण के लिए और परोपकार के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। धर्मेण एव प्रजाः शिष्टाः परहित निरताः च भवन्ति, धर्म से ही लोगों में शिष्टा और परहित निरता निरंतर लोगों की मतलब लोग सभ्य होते हैं और निरंतर दूसरों की रक्षा करते हैं। ठीक है। केचन जनाः तीर्थस्थले पितृभ्यः पिंडानि अपि यच्छन्ति, कुछ लोग तीर्थस्थल में अपने पितरों का पिंडदान भी करते हैं। तीर्थे पिंडदानेन पितरः मुक्ता भवन्ति स्वर्गम च विन्दति इति शास्त्राणां वचनम्, पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है और वे स्वर्ग को जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अन्ते जनाः यज्ञम अपि कुर्वन्ति, अंत में लोग यज्ञ भी करते हैं। ते हवनाय समिधा आनयन्ति यवेभ्य तिलेभ्य च आहुतिम रचयित्वा देवेभ्य देवेभ्य च अर्पयन्ति, वे हवन के लिए लकड़ियां लाते हैं, जौ और तिल की आहुति देकर देवी और देवताओं को अर्पित करते हैं। तथा गंगा यमुनादिभ्य पवित्राभ्य नदीभ्य नमः इति कथयित्वा स्वगृहं प्रति आगच्छन्ति, और उसके बाद यानी अंत में गंगा और यमुना आदि पवित्र नदियों को नमस्कार ऐसा कहते हुए वह अपने घरों को जाते हैं। शब्दत करें मंदिराणि मंदिर, समीपम एव पास ही, उपदेशकाः उपदेश देने वाले, पितृभ्यः पितरों को,
शास्त्राणि शास्त्र समिधा लकड़ियाँ आनयन्ति लाते हैं या लाती हैं, रचित्वा बनाकर पवित्राभ्य पवित्र पुनः फिर नमस्कृत्य प्रणाम करके स्वगृहम प्रति अपने घर की ओर शिष्टा सभ्य धर्मोपदेशम धर्म का उपदेश प्रवहती बहती है, प्रेरयंती प्रेरित करते हैं, प्रजा लोग परहित निरता दूसरों की भलाई करने वाले दूर देशेभ्य दूर देशों से स्नान कृत्वा स्नान करके प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, आनितानि लाए या आई द्रव्याणि वस्तुएं समर्पयन्ति सौंपते हैं या सौंपती हैं, मानसिकिम मानसिक प्राप्नुवन्ति पाते हैं या पाती हैं, लोकाः लोग निराश्रिताभ्य बेसहाराओं को। आओ बेटा अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं। स्नानम कृत्वा किम कुर्वन्ति, जनाः स्नानम कृत्वा ईश्वर दर्शनाय मंदिरम प्रविशन्ति। जनाः देवी देवेभ्य किम अर्पयन्ति, जनाः देवी देवेभ्य समिधाः यवेभ्य तिलेभ्य च अर्पयन्ति। शास्त्राणि किं वदन्ति, शास्त्राणि वदन्ति यत् पिंडदाने पितरा मुक्ता भवन्ति स्वर्गं च विन्दन्ति। पूजया भक्ताः किं प्राप्नुवन्ति, पूजया भक्तयः मानसिकीं संतुष्टिं प्राप्नुवन्ति। जनाः निर्धनेभ्यः कानि कानि वस्तूनि समर्पयन्ति, जनाः निर्धनेभ्यः वस्त्राणि अन्नानि धनानि च समर्पयन्ति। अब रिक्त स्थान पूरे करते हैं। समीपम एव गंगा नदी प्रवहति, अन्ते जनाः यज्ञम अपि कुर्वन्ति। केचन जनाः तीर्थ स्थले पितृभ्य पिंडानि अपि यच्छन्ति, ते स्नानं कृत्वा ईश्वर दर्शनाय मंदिरं प्रविशन्ति, लोकाः पुण्याय दानं यच्छन्ति। अब सही उत्तर को चिन्हांकित कीजिए। जनाः इत्यस्य समानार्थकं पदम अस्ति लोका, पुनः इति पदस्य अर्थः फिर, ते समिधा आनयन्ति अत्र ते सर्वनाम पदम के प्रयुक्तम लोकेभ्यः। निम्नलिखित शब्देभ्यः उपसर्गान् पृथक् कुरुत, प्रत्यागच्छन्ति में क्या है उपसर्ग प्रति, सुशोभते सु, समर्पयन्ति सम, परोपकाराय पर, प्रवहति प्र, सुजना सु। अब सही को सही से मैच करना है, ठीक है। अर्पयन्ति अर्पित करते हैं, प्रवहती बहती है, प्रेरयंती प्रेरित करते हैं, प्राप्नुवंती प्राप्त करते हैं, प्रवेशंती प्रवेश करते हैं और भवंती होते हैं। हिंदी में अनुवाद करो, ते यज्ञार्थम समिधा आनयंती, वे यज्ञ के लिए लकड़ियां लाते हैं, लकड़ियां लाते हैं। धर्मेण एव पुण्यम लभते, धर्म से ही पुण्य मिलता है, धर्म से ही पुण्य मिलता है। अस्य मंदिरस्य समीपम एव निर्मला पवित्रा च नदी वहती, इस मंदिर के पास, इस मंदिर के पास
ही स्वच्छ और पवित्र नदी बहती है। ठीक है, जनाः ब्राह्मणेभ्यः भोजनं भोजयन्ति, लोग ब्राह्मण को भोजन देते हैं या कराते हैं। तीर्थे पिंडदाने पितरः मुक्ता भवन्ति, तीर्थ में पिंडदान से पितरों को मुक्ति मिलती है। तीर्थस्थलेषु दानादिकं कृत्वा मनः प्रसन्ना भवति, तीर्थ स्थान में दान करने से मन खुश होता है। ठीक है, अब रेखांकित शब्दों में हमें वचन और कारक बताने हैं। जनाः प्रथमा बहुवचन, प्रथमा बहुवचन, तीर्थ स्थलानि प्रथमा बहुवचन, पूजायै चतुर्थी एकवचन, स्वगृहाणि प्रथमा बहुवचन, कथावाचकस्य षष्ठी एकवचन। ठीक है, अब हम करेंगे वाक्य प्रयोग। आओ बेटा, अब हम वाक्य प्रयोग करते हैं। मुक्ताः पिंडदानेन पितरः मुक्ताः भवन्ति, धर्मोपदेशा कथावाचकाः धर्मोपदेशं यच्छन्ति, परोपकाराय ब्राह्मणः सदा परोपकाराय लोकान् प्रेरयन्ति, पूजायै ते पूजायै पुष्पम् आनयन्ति, समीपं गृहस्य समीपे एका मन्दिरः अस्ति। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, अगले पाठ के साथ आपके साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमो नमः।